किस किस तरीके से स्कैम्स किए जा सकते हैं उसके मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको, और किस किस तरीके से स्कैम्स ऑलरेडी हो चुके हैं आधार से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आधार एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर है हम सिटीजन्स के लिए। तो दोस्तों सुना आपने, आपका फोन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका एड्रेस, आपका रिलीजन, आपका नाम, सब कुछ आधार वाले चुरा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यदि भारत में किसी को है तो वो आधार है। जी हाँ, ये कह रहे हैं ध्रुव राठी। आपने पढ़ा होगा, इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट यदि भारत के नागरिकों को कुछ है तो वो आधार है। जी हाँ, आधार है, फिर से कह रहा हूं, आधार है। अब हम इस व्यक्ति को एक्सपोज करने वाले हैं आधार पर। देखते रहिए आज की ताजा खबर। दोस्तों आपने देखा होगा ध्रुव राठी का एक वीडियो जिसमें वो इस मुद्दे पर बात करते हुए दिखे थे कि किस प्रकार से एक एप्लीकेशन जिसका कि नाम है नेता ऐप, वो बड़ी ही रेवोल्यूशनरी ऐप है, वो कैसे एमपीस और एमएलए के चयन में मदद कर सकती है, वो कैसे भारत के नागरिकों को ये शक्ति प्रदान कर सकती है कि वो अपने एमएलए एमपीस को रेट करें। अब अपने इस वीडियो में ध्रुव राठी बेसिकली यही कहना चाह रहे थे कि ये जो एप्लीकेशन है ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ फेक डेटा को हटाने में। अब आपको दिखाते हैं प्रथम मित्तल का बयान। प्रथम मित्तल कौन है? प्रथम मित्तल है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ओनर। वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाली फैमिली से आते हैं। तो प्रथम मित्तल का ये बयान है बिजनेस स्टैंडर्ड में, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो एप्लीकेशन है वो आधार डेटा का यूज करती है ताकि कोई भी फेक वोटिंग ना कर पाए। आपको यकीन नहीं हुआ? चलिए आपको डीएनए अखबार की एक कटिंग दिखा देते हैं। उसमें वो लिख रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रू कॉलर फोन नंबर और आधार का यूज करते हुए फेक वोटिंग से इस एप्लीकेशन में बचा जा सकता है। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको इन दोनों आर्टिकल्स के लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं और ऐसे बहुत से आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये पर्दे के पीछे की क्या बातें हैं आप और हम नहीं जानते। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरी इस एप्लीकेशन के ओनर से बात हुई है। सवाल यहां पर ये उठता है कि ये नेता ऐप फेक वोट्स और फेक रेटिंग से कितनी बची रहेगी। मुझे लगता है दोस्तों ये काफी हद तक बची रहेगी। इसका रीजन है कि ये एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद एक आदमी को एक ही वोट डालने देती है। ये सब मुझे नेता ऐप के फाउंडर ने बताया था जब मैंने ये डाउट पूछा था उनसे। अब इस बारे में बात हुई है या नहीं हुई है, क्या ये बात जानबूझकर छुपाई गई है? क्योंकि ये बयान जो है वो प्रथम मित्तल का है, ओनर का है, उन्होंने अखबार को ये बयान दिया है। तो ये बात छुपाई गई है या ध्रुव राठी को पता ही नहीं थी, हम नहीं जानते। लेकिन हिपोक्रेसी साफ साफ दिखाई देती है, दोगलापन साफ साफ दिखाई देता है। अगर एक प्राइवेट कंपनी आपका आधार यूज कर रही है, जैसा कि प्रथम मित्तल के बयान से स्पष्ट होता है, प्रथम मित्तल को स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर आप उनके फेवर में हो, आप उस ऐप का प्रमोशन कर रहे हो, आप बेसिकली उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर रहे हो लोगों को, जिसमें कि आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, जी हाँ, उसमें एड्रेस भी उजागर हो जाता है, लोगों की प्रिवेसी उजागर हो जाती है, उसको प्रेरित कर रहे हो आप लोगों को। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका आधार नंबर और आपके सोर्सेज को इकट्ठा करके एक जगह सुरक्षित रखने का प्रयास करती है तो आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है उसके बाद। अब देखिए, जब आप इस एप्लीकेशन की कोडिंग को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन यानी नेता ऐप जो है वो थर्ड पार्टी एसडीके से भरी हुई है। फेसबुक, गूगल, वन सिग्नल, येलेंटिस, इस प्रकार की, येलेंटिस बेसिकली एक ऐप डेवलपिंग कंपनी है। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन से, इस प्रकार की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नेता ऐप भरी हुई है। यानी कि जो आप डेटा दे रहे हो, जो आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, वो इस प्रकार की एप्लीकेशंस को भी शायद जा सकती है, क्योंकि इन एप्लीकेशंस का प्रयोग नेता ऐप कर रही है। अब आगे चलते हैं, फेसबुक जो कि एक थर्ड पार्टी ऐप की तरह नेता ऐप में है,
वो कैम्ब्रिज एनालिटिका को किस प्रकार से आपका डेटा बेच रही थी वो आपको पता ही होगा, उसका काफी मुद्दा बना था। रविशंकर प्रसाद ने भी इस बारे में आकर बात की थी, यानी कि इस ऐप के थ्रू आपका डेटा जो है वो शायद फेसबुक को भी हो सकता है जा रहा। और खुद ध्रुव राठी कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में क्या कह चुके हैं वो सुनिए। ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की कॉन्ट्रोवर्सी थी ये पूरी दुनिया भर में फैली थी, इसने दुनिया भर की सरकारों को हिला के रख दिया है। सरकारों ने अब लॉज बनाने शुरू कर दिए हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, डेटा प्राइवेसी को लेकर। तो बेसिकली खुद ध्रुव राठी कैम्ब्रिज एनालिटिका के खतरे को बता चुके हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक से डेटा खरीदता था, फेसबुक उसको डेटा बेचता था। फेसबुक के पास कहां से डेटा आता है, या तो खुद फेसबुक की एप्लीकेशन से, या फिर फेसबुक जहां पर एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल नेता ऐप, हो सकता है नेता ऐप से भी जो डेटा है वो फेसबुक के पास जाता हो, हमें कंफर्म होकर नहीं पता है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास डेटा जाता है वो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट में। तो कितना बड़ा खतरा है भारत के सिक्योरिटी के लिए आप खुद सोच सकते हैं, कितना बड़ा खतरा है 2019 के चुनावों के लिए आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका जो अमेरिका में चुनाव हुए थे वहां पर पकड़े गए थे इलेक्शंस को एक प्रकार से रिग करते हुए, एक प्रकार से डेटा गेम खेलते हुए। अब अगर इस ऐप की जो कोडिंग है उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अलाउ बैकअप इज इक्वल टू ट्रू है, ये बेसिकली फॉल्स होना चाहिए। इसका क्या खतरा होता है, जब आप अलाउ बैकअप ट्रू करते हैं तो आपके फोन में जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसका बैकअप लिया जा सकता है। यदि जिन लोगों को इसका खतरा पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता वो ये स्क्रीनशॉट जरा पढ़ लें और क्या खतरा हो सकता है उसको भी जान लें। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से एक हिपोक्रेसी जिसका हमने उजागर किया है जिसको, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस एप्लीकेशन की तारीफ करते हुए ये व्यक्ति थक नहीं रहा था, लेकिन जब हमने इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा जांचा तो हमें पता चलता है कि मित्र सेन यादव जी जो हैं यूपी से एक लीडर थे, उनको करीब करीब 1000 से ऊपर वोट पड़ चुके हैं। जी हाँ, उन्हें 1000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं लोगों के द्वारा। लेकिन मित्र सेन यादव जी जिनको कि 2018 में वोट कर रहे हैं एक प्रकार से लोग कि मेरा नेता ये है, वो 2015 में उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये भी अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी उनके नाम के सामने एक भी क्रिमिनल केस नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी जो हैं वो बेल पर बाहर हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी जो हैं वो बेल पर बाहर हैं। लेकिन दोस्तों चलिए ये सारी छोटी बातें हैं, इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो एप्लीकेशंस में हो सकती हैं और सुधारी जा सकती हैं, लेकिन यहां पर बड़ी बात ये है कि समाचार पत्रों को प्रथम मित्तल जो कि ओनर है नेता ऐप के, उन्होंने खुद बताया कि इसमें आधार का प्रयोग किया जा रहा है फेक वोटिंग को रोकने के लिए। अब आधार तो खतरनाक है और ऊपर से ध्रुव राठी ने खुद ने कहा है कि भाई मैंने तो ओनर से बात की है, तो ओनर ने हो सकता है उनको ये भी बताया हो कि भाई समाचार पत्रों में मैंने ये बोला हुआ है और इसमें ऐसे ऐसे हम यूज कर रहे हैं। तो यदि ध्रुव राठी ने आधार के खिलाफ इतना कुछ बोला हुआ है पहले और कहा है कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी का खतरा यदि भारत के लोगों को कुछ है तो वो आधार है, तो आज वो इस एप्लीकेशन का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं जब आधार इतना बड़ा खतरा है। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, क्या ये जो प्रमोशन किया गया था नेता ऐप का वीडियो के द्वारा, ध्रुव राठी के द्वारा, ये पेड प्रमोशन था या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन था, हम नहीं जानते। लेकिन ये सवाल उठता है, अगर पेड प्रमोशन था तो ध्रुव राठी को बताना चाहिए था अपने वीडियो में। लेकिन जो आधार वाली बात छुपाई गई है उस पर स्पष्टीकरण बनता है एप्लीकेशन के थ्रू भी और ध्रुव राठी के थ्रू भी, क्या उन्हें इसके बारे में पता था नहीं पता था, तो बहुत ही बेकार रिसर्च उनकी रही है, और अगर पता था तो ये धोखा है, हम नहीं जानते पता था या नहीं पता था, ये ध्रुव राठी को खुद स्पष्ट करना चाहिए। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल आजकल डेटा इकट्ठा करते हुए घूम रहे हैं, स्कूल के अंदर छोटे बच्चों से उनके माता पिता के वोटर आईडी नंबर, उनके फोन नंबर वगैरह मांगे जा रहे हैं, सर्कुलर जारी करवाया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, हर स्कूल में बच्चे से ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी तरफ नेता ऐप भी डेटा इकट्ठा कर रही है, उनका जो लॉन्च हुआ है वो भी अरविंद केजरीवाल ने ही किया है, पता नहीं
क्या चल रहा है इस देश में हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जनता हैं, आप अन्नदाता हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस पूरे किस्से के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर हमें बताइए कमेंट करके। इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, भारत के अंतिम व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही साथ यदि आप हमें कुछ मदद करना चाहते हैं, हमारे काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें patreon.com पर हेल्प कर सकते हैं, जिसका कि एड्रेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी छोटी सी मदद हमें काफी आगे लेकर जा सकती है, हमारी रिसर्च में काफी मदद करती हैं ये चीजें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम का हमने एक एड्रेस बनाया है उन लोगों के लिए जिनको की नोटिफिकेशन आना बंद हो गए हैं, तो वो जरूर हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।